आखिर ऐसा क्या किया था कुमा ने जो उस बेचारे को इतना सब सहना पड़ा। बचपन में स्लेव बना लिया गया, उसके माँ बाप को मार दिया गया, हंटिंग गेम के अंदर छोड़ दिया गया और जब वहाँ से बच के निकला कुछ सालों तक तो वो खुश रहा, जिसके बाद फिर से उसकी लवर को किडनैप कर लिया। लेकिन तब भी वो फिर से अपनी लवर से मिला और उसको अपनी बाहों में लिया तो सही, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सो हाँ, ये चैप्टर फिर से वन पीस के अंदर एक काफी ट्रेजिक चैप्टर होने वाला है, जहाँ हाँ इस चैप्टर के अंदर कोई मेजर बैटल नहीं है, ना कोई स्ट्रॉ हैट्स है और ना कोई गॉड वैली का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, जिसको पढ़ने के बाद बस एक ही लाइन कहूंगा, एक ही तो दिल है यार कुमा, कितनी बार जीतेगा भाई। सो अपने चैप्टर का टाइटल है द बर्थ ऑफ बॉनी, यानी कि इस चैप्टर में हमें क्लियर हो जाएगा कि बॉनी कौन है, कैसे पैदा हुई, इसकी आइडेंटिटी क्या है और इसकी एज क्या है। जहाँ सबसे पहले हम चैप्टर के अंदर ब्रुक का एक और पेज देखते हैं, जो कि है तो बस एक रिक्वेस्टेड कवर ही, लेकिन यहाँ पे ओडा सेंसे ने वन पीस के फैन से माफी मांगी है क्योंकि वो इस चैप्टर को कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इस चैप्टर के अंदर कुछ पैनल जो स्केचेस की तरह लग रहे हैं और काफी जगह हमें पेंसिल शेडिंग का डिजाइन देखने को मिलता है, जिसको फाइनल लुक नहीं दिया गया क्योंकि ओडा सेंसे वन पीस की जो 25वीं एनिवर्सरी है उसके लिए काफी बिजी थे। उसके साथ साथ लगातार काफी अच्छे चैप्टर्स आ रहे थे और उन्हें बीच में ब्रेक नहीं मिला, सो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि चैप्टर अच्छे से रीडेबल है और चैप्टर का जो थीम है डार्क और सैड वाला उस पे यार एक परफेक्ट बैठ रहा है। सो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जहाँ पे भाई जो लास्ट चैप्टर था वो काफी अच्छा खासा जा रहा था कुमा के लिए भी, गिनी के लिए भी और वन पीस फैंस के लिए भी, लेकिन एंड में जो गिनी की किडनैपिंग थी उसने यार सबको शॉक कर दिया था। जहाँ अब गिनी की किडनैपिंग को 2 साल बीत चुके थे लेकिन उसको अभी भी नहीं बचाया जा सका, जिसकी वजह से अब जो कुमा था वो एक रियल टैलेंट बन चुका था। जहाँ था तो रेवोल्यूशनरी आर्मी में ही, लेकिन उसका जो डिमीनर था वो काफी चेंज हो चुका था। जहाँ पहले वो काफी स्वीट था लेकिन अब वो स्वीट से चेंज होके एकदम गुस्से वाला हो गया था, जो कि भाई गुस्सा उसकी शक्ल पे भी दिख रहा था। अब ये सीन 12 साल पहले का था, तो यहाँ ड्रैगन गोवा किंगडम में गया था जहाँ वो लोगों की मदद कर रहा था और साबो को भी उसने यहीं पे बचाया था, लेकिन रेवोल्यूशनरी आर्मी अब काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी थी क्योंकि वो एक साथ कई जगह पर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से काफी बार वो शॉर्ट हैंडेड हो जाते थे। लेकिन कुमा पहले से काफी रेकलेस हो गया था, उसे अपनी चिंता पहले ही बहुत कम थी, पर अब तो बिना सोचे समझे बैटल में कूद जाता था। जहाँ अब भी ऐसा ही हुआ क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी को साउथ ब्लू के किंगडम में मदद चाहिए थी, तो कुमा अकेले वहाँ पे चल पड़ता फाइट करने के लिए। गिनी की यार किडनैपिंग का बहुत बुरा असर हुआ था कुमा के ऊपर, लेकिन सबके मन में यही सवाल था आखिर ये किसने किया है और क्यों किया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि गिनी सुंदर होने की वजह से किसी सेलेस्टियल ड्रैगन को पसंद आ गई थी, तो उसने गिनी को उठवा लिया और मैजो इसके अंदर ले गया ताकि वो उसे अपनी वाइफ बना सके। अब गिनी को उठाने कौन आया था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन उसके पीछे का मोटिव क्लियर कर दिया गया है। लेकिन तुम्हें भी बताया कि सेलेस्टियल ड्रैगन एक नॉर्मल ह्यूमन को अपनी वाइफ तो नहीं बनाएगा, तो वाइफ का मैं रखेल ज्यादा बनाने की बात हो रही है, एक तरीके से सेक्स स्लेवी कह लो तुम, क्योंकि साबोर्ड में हमने देखा था कि कैसे एक लड़की को कालोस उठा के ले गया था, जहाँ ऑलरेडी उसकी 12 कॉमनर्स बीवी थी, पर अब वो उनसे बोर हो गया था तो उनको उसने यूज करके छोड़ दिया और यहाँ पे एक नई कॉमनर को अपनी बीवी बना के ले गया क्योंकि वो सुंदर थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस था और गिनी को भी यार अपनी वाइफ बना के वो सेलेस्टियल ड्रैगन ले गया, जहाँ पे उसके साथ क्या क्या हुआ होगा आप सोच ही सकते हो। I mean, यार क्यों, पिछले चैप्टर में हमने कितनी प्यारी स्माइल देखी थी उसकी और काफी लोगों की तो वन ऑफ द फेवरेट फीमेल कैरेक्टर बन गई थी वो, लेकिन अगले ही चैप्टर में पूरे जज्बात बदल दिए यार। वन पीस के अंदर ये रेप वगैरह का कॉन्सेप्ट काफी टाइम से चल रहा था, पर कभी इस चीज को खुले में शो नहीं किया गया और फैंस की थिंकिंग में छोड़ दिया गया, जहाँ सब जानते हैं कि बो हैनकॉक और उसकी बहनों के साथ भी क्या हुआ होगा, इवन दो उस टाइम पे काफी छोटी थी, पर शायद ही किसी हरामी सेलेस्टियल ड्रैगन को इस बात से फर्क पड़ा होगा, यहाँ तक कि कुमा की माँ के साथ भी यही सब हुआ होगा। I mean, यार इस बार तो बुकानियर से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन तब भी कुमा के साथ इतना बुरा हुआ। लेकिन अभी मेरा सवाल सीधा ड्रैगन के लिए है, आखिर क्या उसने गिनी को बचाने की कोशिश करी है या फिर नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में तो ऐसा कोई हिंट नहीं मिला कि ड्रैगन ने कोई भी कोशिश करी है यहाँ पे। I mean, हाँ ठीक है, ड्रैगन एक रेशनल बंदा है, वो सोच समझ के कदम उठाता है, लेकिन अगर इस मामले में उसने थोड़ा भी कुछ नहीं किया होगा ये तो या फिर ड्रैगन के जस्टिस उसके ब्लड पे सवाल उठाता है, क्योंकि लूफी तो बस 5-6 मेंबर्स लेके निकल पड़ा था एनी लॉबी की तरफ और वहीं कुछ गिने चुने लोगों के साथ गार्ड भी निकल पड़ा था कोबी को बचाने के लिए। सो क्या ड्रैगन थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकता था? जहां तक मुझे लगता है ड्रैगन ने कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा, क्योंकि वनकॉक के थ्रू हमें ड्रैगन के बारे में थोड़ा पता लगा था, जहां पर उसने कहा था कि ड्रैगन बिना सोचे समझे अपने बेटे को बचाने के लिए ट्राई करता अगर एज उसका बेटा होता तो, और लूफी को देख के ड्रैगन की याद आती है। सो हो
सकते हैं कि ड्रैगन ने ट्राई किया होगा, जिसकी वजह से वर्स्ट मोस्ट क्रिमिनल का टाइटल मिला होगा। लेकिन भाई तब भी मानना पड़ेगा फिशर टाइगर को, बंदे ने भाई बिना किसी सपोर्ट के मैजियस के अंदर जाके मैजियस के अंदर घुस के आया भाई, स्लेव्स को छुड़ा के लाया और तब भी जिंदा बचा और कोई भी स्लेव्स मरा नहीं। इस सीन के बाद भाई रिस्पेक्ट यार इसके लिए और ज्यादा बढ़ गई है। सो फिलहाल तो मैं ड्रैगन के बारे में जानने का और वेट करूंगा और उसको भी फ्रॉड का टाइटल नहीं दूंगा। सो अभी चैप्टर में वापस आते हैं, जहां अचानक से ड्रैगन की शिप में भाई गिनी का कॉल आता है, जिसको ड्रैगन इवेंट को अगर कुमा सुनते हैं। गिनी यहाँ बताती है कि वो मैजियस से वापस आ चुकी है या फिर उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसे एक बीमारी हो गई थी। गिनी उन सबको देखना तो चाहती थी, लेकिन गिनी के पास अब टाइम काफी कम बचा था, क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कुमा यहाँ पे गिनी से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे है, लेकिन उसे गिनी कहती है कि तुम मुझे नहीं देखना चाहोगे, क्योंकि मेरी हालत ऐसी है कि मैं तुम्हें दिखा तक नहीं सकती। लेकिन तब भी यार कुमा समझ जाता है कि आखिर गिनी कहाँ पे होगी। तो वो सोचता है कि गिनी सोरवेट किंगडम के उसी चर्च के अंदर होगी जहाँ पे वो लोग राह करते थे। तो कुमा अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता सोरवेट किंगडम में पहुंच जाता है, लेकिन यार गिनी अभी भी लाइन पे थी और वो अपने दम तोड़ने से पहले कुमा को आई लव यू बोलती है। लेकिन क्योंकि कुमा यहाँ पे टेलीपोर्ट कर चुका था तो उसने ये बात नहीं सुनी और यहाँ पे गिनी की डेथ हो जाती है। कुमा भाई सोरवेट किंगडम पहुंच तो गया था, लेकिन वो गिनी को जिंदा नहीं देख पाया और ना गिनी अपनी आखिरी सांस कुमा के पास ले पाई। वो सारे लोग भाई जिनको कुमा हील करता था वो लोग वहीं पे थे, जो कि कुमा को गिनी के बारे में बताते कि कैसे जब वो सन के कांटेक्ट में आई तो उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ने लगी और पत्थर की तरह हार्ड हो गई थी, जिसकी वजह से गिनी ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन ये बस थोड़ी देर के कांटेक्ट की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि गिनी काफी लंबे सफर से आई थी और वो सनलाइन के कांटेक्ट में होके आई थी ताकि वो अपनी बच्ची को सेफ जगह पे छोड़ सके। हाँ भाई, गिनी की एक बच्ची हो गई थी और यही बॉनी है। पहले तो भाई यहाँ पे कुमा गिनी को देख के रोने लगता है और उसकी बॉडी को उठा के गले लगा लेता है, जहाँ पे उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बच्ची का पूरा ध्यान रखेगा। हम लोग देखो भाई कहाँ सोच रहे थे कि जो बॉनी है वो कुमा और गिनी की बेटी होगी, लेकिन असल में बॉनी तो किसी सेलेस्टियल ड्रैगन की नाजायज औलाद निकली और इस टाइम बस वो एक बच्ची थी। यानी कि असलियत में एकेड के अंदर जो बॉनी है उसकी एज है 12 साल। वेल, इससे ये तो क्लियर हो गया कि आखिर बार बार वेगापंक बॉनी को एक छोटी बच्ची क्यों कह रहा था। लेकिन यार किसने सोचा था कि बॉनी एक सेलेस्टियल ड्रैगन की बेटी निकलेगी। पर अभी बॉनी के ऊपर आने से पहले हम बात करते हैं गिनी की बीमारी की, जिसका नाम है सैफायर स्केल, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो नेचुरल लाइट के कांटेक्ट में नहीं आ सकता, यानी कि सनलाइट और मून लाइट के कांटेक्ट में नहीं आ सकता। अगर वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे करके सैफायर स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका वन पीस वर्ल्ड के अंदर कोई इलाज नहीं है, और गिनी को ये बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से छोड़ दिया गया। लेकिन आखिर ये बीमारी गिनी को हुई कैसे, क्योंकि 2 साल पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी और आराम से यार सनलाइट में घूम सकती थी। लेकिन जब वो सेलेस्टियल ड्रैगन की एक स्लेव बनी तब भाई उसे ये बीमारी हो गई, जहाँ पे लोगों का स्पेकुलेशन एसटीडी की तरफ है, जहाँ लोग मानते हैं कि ये बीमारी किसी सेलेस्टियल ड्रैगन की वजह से ही हुई होगी। लेकिन हमने कई सारे और स्लेव्स भी देखे थे जिनके साथ में भी सेलेस्टियल ड्रैगन ने सेक्स किया होगा, जहाँ पे में भी हम बोआ हैनकॉक और उसकी सिस्टर्स को भी देख सकते हैं, तो उन्हें तो ये बीमारी नहीं थी। तो क्या ऐसा है कि गिनी असल में किसी होली नाइट या फिर किसी गोरोसे की स्लेव रही हो जिससे उसे ये बीमारी मिली हो? क्योंकि अभी हमने गोरोसे को देखा था जिनके पास डीमन लाइक डेल्फूट तो है ही और मैजिक सर्कल की पावर्स भी हैं। जहाँ पे सैटर्न का डेल्फूट इस पे बेस्ड था, यानी कि उशियोनी, वो तो भाई पॉइजन और बीमारी भी फैला सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये काम किसी होली नाइट या फिर किसी गोरोसे का ही हो, क्योंकि उनके पास ऐसी डीमन लाइक पावर्स तो है ही, या फिर यहाँ पे कुछ लोग तो ईमो को भी इस मामले में ला रहे हैं। वेल, तो अभी हम आते हैं बॉनी पे, जिसको कुमा ने ये जानते हुए अपनी बेटी मान लिया था कि वो किसी सेलेस्टियल की बेटी होगी। पर तब भी क्योंकि थी तो गिनी की बेटी ही, तो कुमा ने अपना प्यार उसके लिए बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया, जहाँ उसने बॉनी को अपनी बेटी की तरह पाला। कुमा और बॉनी का बचपन से ही रिलेशन यार काफी क्यूट था, और उतनी क्यूट यहाँ पे बॉनी भी थी। शुरू में जब बॉनी काफी छोटी थी तो यहाँ पे कुमा को काफी मुश्किल होती थी, क्योंकि यार ऑब्वियसली उसने कभी बच्चे को नहीं पाला था, तो उसे नहीं पता था कि क्या क्या करना होता है और कैसे उसे खाना वगैरह खिलाना होता है। तो आसपास के लोग उसकी मदद करते थे, जहाँ पे वो लोग उसे समझाते भी थे, और यहाँ पे वो लोग ये तक कहते थे कि जब तू बॉनी को अपने पास सुलाएगा तब उसे एक स्टील केज के अंदर डाल के रखना, क्योंकि कहीं तेरा ये जो विशाल का शरीर है उसको इंजर्ड ना कर दे। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई कुमा ऐसा ही करता है। बॉनी यहाँ पे गिनी की तरह क्यूट तो थी ही, लेकिन उसी की तरह वो खूब खाना भी खाती थी। जब भाई बॉनी ने कुमा को पहली बार डैड बोला, कुमा तो यार उसे देख के रोने लग गया था। वन पीस के अंदर मदर फिगर को एकदम कम शो किया गया है, लेकिन यार जो फादर फिगर है उसको काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन उसमें भी ज्यादातर केस ऐसा है जहाँ पे असल में वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, पर बॉन्ड उनके बीच में एकदम फैमिली वाला ही है। तो यहाँ बॉनी धीरे धीरे करके बड़ी हो रही थी और कुमा काफी टाइम उसके साथ बिताता, जहाँ उसके साथ खेलता कूदता खाना खाता और इंजॉय करता था। पर यहाँ पे इसके साथ ही कुमा रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए बैटल में भी जाता था, और ऐसे करते करते उनके दिन काफी अच्छे बीत रहे थे। लेकिन यार कुमा की स्टोरी हो
और अच्छे दिन जहाँ 10 तक टिक पाए, ऐसा कैसे हो सकता है यार। जहाँ फिर से स्टोरी एक डार्क फेस ले लेती, क्योंकि गिनी को जो बीमारी थी अब वो बॉनी को भी हो गई थी, जिसकी वजह से कुमा ने चर्च को एकदम सील कर दिया था ताकि नेचुरल लाइट बिल्कुल भी अंदर ना आ पाए। कुमा को यहाँ पे इस टाइम तक बॉनी की बीमारी के बारे में कोई पता नहीं था कि वो एक्चुअली कौन सी बीमारी और कैसे ठीक हो सकती है, या फिर ठीक हो भी सकती है या फिर नहीं। जहाँ पे वो काफी डॉक्टर से मिला लेकिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो एट द एंड उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी लीव करने का सोचा और बॉनी के साथ ही रहने का फैसला किया ताकि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता सके और बॉनी के साथ रह के उसकी देखभाल कर सके। जिसको यार ड्रैगन ने एक्सेप्ट किया और कुमा से कहा कि वो जो चाहे वो कर सकता है, और ड्रैगन ने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके डॉक्टर से इसके बारे में यार पता करने की कोशिश भी करी। जिस बात को 5 साल बीत गए थे, जहां बॉनी 5 साल की हो गई थी और अगर टाइमलाइन से 7 साल पहले की बात है, जहां हम देखते हैं कि बॉनी को कुछ बच्चे वैम्पायर कह के चिढ़ा रहे थे क्योंकि वो चर्च से बाहर नहीं आ सकती थी और इवन उसे क्रॉस दिखा के डरा भी रहे थे, लेकिन यार यहां पे बॉनी उनकी अच्छे से हजामत करती है और उन्हें और पहले के चर्च से बाहर जाने वाली होती है, लेकिन कुमा यहाँ पे उसे रोक लेता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉनी है वो थोड़ी दुखी थी क्योंकि जो बच्चे थे उसे वैम्पायर तो कह ही रहे थे, लेकिन उसका जो फेस था उस पे स्टोन लगे हुए थे जो सफायर स्टोन थे, उसकी वजह से अगली भी कह रहे थे। तो यहाँ पे कुमा उसे कहता कि तेरे फेस में जो सफायर स्टोन है वो एकदम जूल्स की तरह है, और भाई इसी की वजह से बॉनी का करंट टाइमलाइन में जो नाम है वो है ज्वेलरी बॉनी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुमा बॉनी से पूछ रहा था कि अगर उसे कहीं पे ट्रिप पे जाना होता तो वो कहाँ पे जाती, जिसका रिप्लाई बॉनी एक बुक उठा के देती है कि उसे स्काई आइलैंड जाना है जो कि सन के बहुत क्लोज है, तो क्या पता उन्हें वहाँ पे निका दिख जाए, जिसकी बात कुमा हमेशा बॉनी से करते रहता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस बुक को बॉनी पढ़ रही थी वो असल में वही बाइबल है जिसको भाई कुमा कैरी किया करता था, यानी कि उस बाइबल के अंदर वन पीस की कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है जहाँ पे स्काई आइलैंड को मेंशन किया गया है। और अगर हम कुमा के चर्च के सिंबल पे गौर करें तो वो कोई नॉर्मल क्रॉस नहीं है, बल्कि उस क्रॉस के बीच में हम सन देख सकते हैं जो कि प्रोबेबली निको को सिमिलाइज करता होगा। और यहाँ पे कुमा और बॉनी ये तक बात कर रहे थे कि वो बॉनी के 20वें बर्थडे पे जाएंगे स्काई आइलैंड और बॉनी के 19वें बर्थडे पे जाएंगे फिशमैन आइलैंड। सो भैया मुझे ये तो नहीं पता कि ये 19 और 20 जो नंबर है उनको ऐसे ही लिया गया है या फिर इनका जो कनेक्शन है वो स्काई आइलैंड और फिशमैन आइलैंड से हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कुमा एक डॉक्टर से मिलता है जो कि कुमा को बॉनी की कंडीशन के बारे में बताता है, जहाँ पे वो सफायर स्केल डिजीज के बारे में बताता कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता और अगर वो बॉनी को सनलाइट और मूनलाइट से छुपा के भी रखेगा तब भी बॉनी 5 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगी, यानी कि बॉनी की डेथ 10 साल तक हो जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पे ये बात बॉनी सुन लेती है, पर भाई यहाँ पे उसको गलत तरीके से समझ लेती, वो सोचते कि यहाँ पे 10 साल तक वो ठीक हो जाएगी और कुमा को भी यहाँ पे यही बोलने लगती है। जहाँ पे कुमा उसको समझाने की कोशिश तो करता लेकिन फिर कुमा भी उसको समझा नहीं पाता और उसको कहता कि हाँ वो 10 साल तक ठीक हो जाएगी, जब तक वो 10 साल की होगी तब तक वो ठीक हो जाएगी। बट वी ऑल नो कि वो ठीक तो हो चुकी है क्योंकि हमने कोई सफायर स्केल उसके मुंह पे अभी नहीं देखा और उसकी अभी जो करंट एज है वो है 12 साल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुमा यार वेगापंक के पास गया होगा और उसने कोई ऐसी दवाई बनाई होगी जिससे बॉनी ठीक हो गई होगी, और इसी चीज की वजह से कुमा ने वेगापंक को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दिए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉनी का डेल्फुट है उसने उसको हील कर दिया हो जैसा कि लॉ के केस में था। और अगर ऐसा है तो मे बी वो डेल्फुट शायद उसे वेगापंक से नहीं बल्कि गवर्नमेंट से मिला हो और इसी चीज की वजह से वो गवर्नमेंट का स्लेव बन के रह गया हो। वेल ये चीज तो आने वाले चैप्टर्स में ही देख पाएंगे, पर अभी आते हैं हम चैप्टर की तरफ जहाँ पे जो सोरबेट किंगडम का पहले वाला राजा था वो वापस आ चुका था और वो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था और काफी लोगों को मार पीट रहा था और किंगडम को वापस से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था। तो लोग यहाँ पे कुमा के पास रोते रोते आए कि कुमा उनकी मदद करे, और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है।